स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पार्टनरशिप। बेटा आज का टॉपिक क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। सो वीडियो नंबर 4 क्लास 11। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पार्टनरशिप में, फर्स्ट डिफरेंस है बेटा एक्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट काम करती है अकॉर्डिंग टू 1912, व्हाइल द पार्टनरशिप सोसाइटी एक्ट 1932। सोसाइटी का एक्ट है 1912, जबकि पार्टनरशिप एक्ट काम करता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। सेकंड डिफरेंस क्या बेटा, रजिस्ट्रेशन बेटा। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी कंपलसरी है, जबकि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना कोई कंपलसरी नहीं होता। जबकि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवा ले तो बेनिफिशियल होता है बेटा। सो सेकंड डिफरेंस इज देयर इज अ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी बट देयर इज नो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप। थर्ड डिफरेंस क्या बेटा, म्यूचुअल प्रॉफिट। जो पार्टनरशिप में प्रॉफिट होते हैं उस या जो फायदा होता है वो कौन करता है डिवाइड, ओनली पार्टनर। अगर चार पार्टनर हैं तो प्रॉफिट तो चारों में ही डिवाइड होगा। जबकि सोसाइटी का प्रॉफिट या सोसाइटी के बिजनेस का एडवांटेज उसके मेंबरों को छोड़ के जो नॉन मेंबर हैं वो भी उनको भी बेनिफिट प्राप्त होता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं क्रेडिट सोसाइटी का, हमने चारों ने 10 व्यक्तियों ने मिलकर क्रेडिट सोसाइटी खोल ली और हम सस्ते भाव पे कोई गुड्स परचेज किया है, हमने कंज्यूमर सोसाइटी खोल ली बेटा। सस्ते भाव पे गुड्स परचेज किया, हम जो सोसाइटी के मेंबर हैं उन्होंने वो अपना सस्ते भाव गुड्स ले ली। अगर बचा हुआ कोई गुड्स जो उसके मेंबर नहीं है उनको भी वो सस्ते या चीप रेट पे सामान अवेलेबल कराते हैं। तो सोसाइटी का जो एडवांटेज है उसके मेंबरों को साथ साथ जो नॉन मेंबर हैं उनको भी बेनिफिट हो सकता है। जबकि पार्टनरशिप में केवल पार्टनर को ही उसका म्यूचुअल प्रॉफिट मिलता है। फोर्थ डिफरेंस क्या बेटा, ऑब्जेक्टिव। सोसाइटी हम जो खोलते हैं किस पर्पज के लिए, प्रोवाइड म्यूचुअल हेल्प टू इनकैपेबल फॉर डूइंग वर्क सिंगल हैंडेड। यानी सोसाइटी खोलने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसे कोई व्यक्ति सा सिंगल हैंड है और वो खुद कोई बिजनेस करने में इनकैपेबल है, असमर्थ है, तो उन सभी ने मिलजुल के काम करते ताकि सभी का एडवांटेज या भला हो सके। जबकि पार्टनरशिप हम किस वे से करते हैं बेटा, बिजनेस एक्टिविटी के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। फिफ्थ डिफरेंस क्या बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर। कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करने के लिए कम से कम 10 मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि पार्टनरशिप में कम से कम 2 की। और मैक्सिमम मेंबर क्या होते हैं बेटा, एक क्रेडिट सोसाइटी होती है जो अपने मेंबरों को रुपए उधार पे देती है लेस इंटरेस्ट पे, उसमें होते हैं मैक्सिमम 100। बाकी जो कोई भी अदर सोसाइटी है उसमें मेंबर की कोई लिमिटेशन नहीं होती। जबकि पार्टनरशिप में मैक्सिमम मेंबर 50 होते हैं, उससे अधिक मेंबर है उसको पार्टनरशिप नहीं कह सकते। तो सोसाइटी स्टार्ट करने के लिए कम से कम 10 मेंबर, पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 पार्टनर, क्रेडिट सोसाइटी में मैक्सिमम मेंबर 100, अदर में कोई लिमिट नहीं होती। जबकि पार्टनरशिप में पार्टनर की मैक्सिमम लिमिट क्या होती है बेटा, 50। तो आज का टॉपिक क्या था बेटा, डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड पार्टनरशिप। ये 1912 के अकॉर्डिंग एक्ट करती है, इसका एक्ट 1932, इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है, इसका करवाना कंपलसरी नहीं होता। ये इनका एडवांटेज जो उसके नॉन मेंबर हैं उनको बेनिफिट होता है, इसमें केवल मेंबर को बेनिफिट होता है। और ये किस लिए खोलते हैं, जो सिंगल हैंडेड वर्क करने में इनकैपेबल है उनकी म्यूचुअल हेल्प करने के लिए। और ये हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस एक्टिविटी के लिए, इसमें कम से कम 10 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम क्रेडिट में 100, बाकी में कोई लिमिट नहीं होती। बाकी सोसाइटी कौन सी बेटा, जैसे हाउसिंग सोसाइटी, फार्मिंग सोसाइटी, प्रोड्यूसर सोसाइटी, मार्केटिंग सोसाइटी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और पार्टनरशिप में कम से कम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर होते हैं। थैंक यू बेटा।